Okay guys, we are live now. Hi everyone, good morning, namaste, sasrikaal, kaim chho, radhe radhe, assalam walekum, jahin. So my name is Vaishali Pandey, welcome to CUT by Adrenaline 247. Ek baar fada fada se session ko share kar dijiye. Har har Mahadev, good morning, good morning. Bilkul, radhe radhe, good morning. Siddhi Mishra, Nehu Chaudhary, how are you? Moalam Khan, Priya Shah, har har Mahadev bita. प्रिया हर्षिता ड्रीम दीवानी निशी ठाकुर काजल एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बहुत सारी चीज़ें हैं आज के सेशन में डिस्कस करने को बिकॉज टुडे इज़ योर वीकली करंट अफेयर्स सो अभी हफ्ते भर में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो हम कवर करने वाले हैं सेशन में ठीक है तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी हमसे फ्रॉम राइट फ्रॉम द 25th ऑफ जून टिल दिस 9th ऑफ जुलाई वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद आर वेरी वार्म मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ठीक है तो सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है मेरा डेली करंट अफेयर सेशन डेली करंट अफेयर सेशन सुबह 7 बजे होता है 7 AM पर और आपको मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे जुड़ना पड़ता है सुबह 7 बजे और सैटरडे को क्योंकि आज सैटरडे है आज 7 बजे आपका वीकली करंट अफेयर्स होता है ठीक है फिर डेली 8:30 बजे आपका अंतिम प्रहार CUT 2022 मॉक टेस्ट ठीक है हो रहा है और जिसको आपको अटेंड करना ही करना है ठीक है तो डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड एट 7 AM वीकली करंट अफेयर्स ऑन सैटरडे एट 7 AM एंड योर अंतिम प्रहार CUT 2022 GK करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट इट विल गो ऑन डेली फ्रॉम मंडे टू संडे ठीक है तो ये डेली चलेगा 8:30 AM पर ठीक है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमारा अंतिम प्रहार जो बैच है स्टूडेंट्स ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है और 15 डेज़ का बैच था हालांकि अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं ठीक है आपके एग्ज़ाम्स में तो 15th ऑफ जुलाई से आपका एग्ज़ाम है टिल आई थिंक 10th ऑफ अगस्त तो 15 to 10 ये आपका एग्ज़ाम्स है किसी भी दिन पढ़ सकता है आपका एग्ज़ाम और ये जो फेज़ है 7 दिन का इसमें आपको पूरा झोंक देना है पूरा अपने आप को पूरा डेडिकेटेड वे में पूरा झोंक देना है लेकिन इसके साथ ही क्या रखना है सबसे पहली बात है आपको पॉजिटिव रहना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ईट हेल्दी फूड ठीक है ईट दी ड्राई फ्रूट्स और बस अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यू हैव टू मेक दी टारगेट्स एंड फोकस ऑन योर टारगेट्स बस इतना ही करना है और करते जाना है ठीक है इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है राइट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू स्टडी वॉट यू हैव टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर यू विल स्टडी बस फोकस ऑन दैट इसके अलावा कुछ भी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है अच्छा मैं गुजारिश ये करूँगी कि एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए गुजारिश स्टूडेंट्स ये है आपसे कि आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए मैं भी कर दे रही हूँ आप भी कर दीजिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सब लोग कहाँ पे हैं इतना मतलब इतना ऐसा क्या हो गया है सब लोग कहाँ चले गए सो रहे होंगे सब ओके वेयर इज वरुण सर बिजी नाउ डेज बेटा वरुण सर की तबीयत खराब थी सो ही वॉज इन द हॉस्पिटल आई थिंक आप लोग ने देखा होगा वो मैसेज लेकिन अब वो एकदम सही हो गए हैं और वो अब आपकी क्लास लेंगे ठीक है हाँ हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग
ठीक है, ही विल बी फाइन एंड ही विल बी कमिंग विद यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो थॉट ऑफ द डे देखते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। ठीक है, तो तब तक मत रुकिए जब तक आप हासिल नहीं कर लेते स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बस लगे रहिए। राइट, करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन रहेगा स्टूडेंट्स आज के सेशन में। पहला, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसिल हैज कट द रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई? नहीं हूं, क्या हो गया बताइए। क्रिसिल, क्रिसिल बेटा क्या है? क्रिसिल एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है। क्या है बेटा? क्रिसिल एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है। इसने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया का कितना परसेंट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सौम्या, सिद्धि, अजय, सब अब देखो सब आ रहे हैं। हाँ, ब्रेड और चाय लेके सब चले आ रहे हैं अब। फटाफट से बस सेशन को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, जस्ट शेयर दिस सेशन। योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज 7.3%। तो क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया का वो 7.3% रखा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 सेज इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट डैश इन 2023। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के मुताबिक हमारे इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना अंदाज़ा लगाया गया है कि 2035 में 2035 में कितनी रहेगी, बताइए। वेरी गुड, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, दैट इज 675 मिलियन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 का बेटा थीम क्या होगा, फटाफट से आंसर करना। व्हाट विल बी द राइट आंसर? वेरी गुड, ड्रीम, ड्रीम दीवानी, बहुत बढ़िया। ड्रीम दीवानी का क्या नाम है? अजय दास, गर्ग, अंकुशी, रौनक, मनीष, अंकित राजपूत भी आ गए सेशन में, बहुत बढ़िया। हर्षित, पंडित पंडित चंद्र प्रकाश शुक्ला, तानिया, एवरीवन, दिन की ताजा खबर। हाँ ओ जी, वरुण सर विल कम सून, बिल्कुल आएंगे सर। योर टैडी बोल रहे हैं शाम में भी क्लास भी नहीं हुआ था, कल से वेट कर रहे। अरे आ जाएंगे, डोंट वरी, ही इज फाइन। एक बार लाइक कर दो यार सेशन को, फटाफट से लाइक कर दो। योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, हाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल गए शुभम, शुभम कुमारी राजपूत, तुमको कैसे भूल सकते हैं बताओ। वेयर वॉज द 2022 नाटो मैड्रिड समिट ओपन? नाटो का 2022 का मैड्रिड समिट, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रूसल्स बेल्जियम में है। ठीक है, अच्छा नाटो, नाटो का क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मैड्रिड समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइए। एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले ही आएगा, एकदम प्रिपेयर रहो सब लोग, एडमिट कार्ड का वेट एकदम मत करो। आंसर यहाँ पर डी होगा, दैट इज मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है बताइए स्टूडेंट्स? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करना बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बेटा सी, दैट इज जुलाई 2। सो जुलाई 2 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सोन इन एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट? बेटा पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट में सर्व करेंगी, शी इज अ ब्लैक वुमेन। पहली ब्लैक वुमेन कौन है ये बताइए आप लोग, मैं देख रही हूँ कौन कौन बताता है, फटाफट से बताइएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा।
बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहां पर बी होगा, दैट इज केतांजी ब्राउन जैक्सन, केतांजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स डैश ईयर ऑन द 1st of July। तो इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर होगा डी, दैट इज 67। तो जो ओल्ड कमर्शियल बैंक है हमारी कंट्री का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना सेलिब्रेट कर रहा है 67th ईयर 1st of July को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक सूटा इनको कॉन्फर किया गया है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। ये फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किस कंपनी के, फटाफट से आंसर करना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल से, फ्रॉम टुमारो, तो टुमारो नहीं, मंडे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम मंडे, मंडे क्या होगा 11, ठीक है, फ्रॉम मंडे, लेकिन आपका CUET का मॉक टेस्ट तो कल भी होगा ना, ठीक है, मंडे नहीं संडे, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो मैं अपने एक पैटर्न में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ प्यारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो छूट जाते हैं और इंग्लिश वालों में ही कवर हो पाता है, सो आई विल कीप दी थिंग बाइलिंगुअल। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, मतलब जो कंटेंट रहेगा वो हिंदी में भी लिखा रहेगा और वो इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, जिससे मेरे जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉन्टेंट बाइलिंगुअल रहेगा, बताओ सही है, बताओ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रखेंगे, होना चाहिए ऐसा स्टूडेंट्स? बताइए, ठीक है, तो कल से मेरा जो सेशन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों दोनों हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा विशेष, ठीक है बेटा, चलो सबको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स माई सेशन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जिससे हमारे जो दोनों मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड आई वॉन्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यू नो मतलब सेशन में आइए, लाइव लाइव आइए, लाइव आने का मज़ा कुछ और होता है, सुबह 7 बजे उठ के आप लाइव ज़रूर आइएगा कल से, ठीक है। ये मेरी गुजारिश है जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे ऑफलाइन भी देख रहे हैं और जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, लाइव और ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले दोनों, मतलब जो बाद में देखते हैं, दोनों के लिए ये है कि आप लोग लाइव आके सेशन को देखिए, ठीक है। हम मैक्सिमम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे लाइव आके यहाँ पर देखें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों सेशन में होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होगा, जिससे आप भी बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, योर आंसर हियर विल बी ए, दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज मार्क्ड एनुअली ऑन द 1st Saturday of July दिस ईयर, द डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स एनुअली यू नो मनाया जाता है 1st Saturday of July को, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को ऑब्जर्व करते हैं। वेरी गुड सक्षम वाजपेयी, लेकिन बेटा कल तुम लोग के लिए भी इंग्लिश में लेके आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। योर आंसर यह विल बी बी, दैट इज 2nd of July। सो 2nd of July इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। मैं क्या 3 दिन के लिए चले गई, मेरे बच्चे ही चले गए, बताओ। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई डैश। सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल हम यू नो किसके कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहना देने के लिए ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बताइए बेटा। मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है आपका मॉक टेस्ट में, राइट। हाँ जी, इसका आंसर यहां पर ए होगा, प्रसन्नता चंद्र महाबलोबोलिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क दी यू नो जो कंट्रीब्यूशन है प्रसन्नता चंद्र महाबलोबोलिस का, उनके उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने रिसेंटली
यूपीआई पेमेंट ऑप्शन दे दिया है ताकि जो हमारे रिटीज है उसके जो पब्लिक इश्यू आ रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी तक है ये आपको बतानी है। सो सेबी हैव रिसेंटली गेव द यूपीआई पेमेंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इश्यूज ऑफ रीट्स इन वीट्स फॉर एप्लीकेशन वैल्यू अप टू डैश। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो जो हमारे मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है, तो उसने जो है यूपीआई पेमेंट ऑप्शन दे दिया है ताकि यू नो इन्वेस्ट किया जा सके पब्लिक इश्यूज में जो जो हमारे रीडीज और इनवीट से रिलेटेड है। ये एप्लीकेशन की वैल्यू कितने तक रखी है, तो ये एप्लीकेशन की वैल्यू रखी है ₹5 लाख तक। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान रिसेंटली। पहला इंडस्ट्री का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सक्षम वाजपेयी बोले मैम प्लीज डिफाइंड एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि जब किसी देश के लीडर्स आपस में मिलते हैं, दो देश के लीडर आपस में मिलते हैं तो एक किसी कॉमन पॉइंट पर उनके बा उन किसी कॉमन पॉइंट पर वो आते हैं और उसी कॉमन पॉइंट पर वो फर्दर डिस्कशन करते हैं। मतलब जो आपस में जो होती है ना कि क्या बोलते हैं उसको, रजामंदी, तो वो रजामंदी करते हैं, एक डिसीजन पर आते हैं कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाना सके। तो जब ये कॉमन पॉइंट पर आते हैं उसके बाद इस फर्दर कॉमन पॉइंट पर डिस्कशन होता है, इस डिस्कशन के बाद जाकर इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं हो जाती हैं, पहले साइन होता है उसके बाद रेटिफिकेशन होता है प्रेसिडेंट का, उसके बाद जाके अप्रूव होती हैं। तो ये होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट? इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नोवाक डोजोकोविक बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल द फोर ग्रैंड स्लैम्स रिसेंटली। ही अचीव दिस फीट व्हेन ही डिफीटेड डैश फॉर हिज 80th विन इन विंबलडन। ठीक है, हाँ निशि ठाकुर, नोवाक डोजोकोविक ये पहले प्लेयर बन चुके हैं हिस्ट्री में जिन्होंने जीता है 80 मैचेस फोर ग्रैंड स्लैम्स में, और इन्होंने फीट अचीव की है, किसको डिफीट किया है और जीत लिया है 80th विन इन विंबलडन। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, आपको, ये जो क्या बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना कि वो जैसे मम्मी होती हैं, मम्मी क्या करती हैं, मतलब मम्मी जब सुबह उठती हैं तो वो सबसे पहले तो उठ जाती हैं, फिर बच्चों को उठाने के लिए जैसे 7 बज रहा होगा तो मम्मी बोलती है उठो 8 बज रहा है, उठ जाओ सब लोग 8 बज रहा है, ठीक है, फिर तुम लोग ऐसे मतलब ऐसे पड़े रहते हो, फिर सोचते चलो यार थोड़ा सा आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर मम्मी तुम्हारी कहती है 8:30 बजे, तो मम्मी कहती है बेटा 10 बज गया उठ जाओ, कहती कि नहीं कहती है बताओ, 1 घंटा 2 घंटा बढ़ा के ही बोलती है ना, बेटा उठ जाओ बेटा उठ जाओ। वैसे मुझे आपको बताना पड़ता है बेटा सेशन में आ जाओ, क्लास चल रही है, सोने वाले जाग जाओ, जस्ट बी इन दी क्लास, है ना। हाँ बोलती है कि नहीं बोलती है? इसका आंसर बताइए फटाफट से। आंसर यहां पर क्या होगा, योर आंसर विल बी डी, दैट इज कौन सून वू। बताओ ये क्या नाम रखा है, कौन सून वू, है ना। हाँ बताइए, एन ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज इनॉग्रेटेड बाई द रजनीश कुमार रिसेंटली। हाँ इट इज कॉल्ड डैश, बताइए। हाँ ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया रजनीश कुमार के द्वारा, इसका नाम क्या है बेटा? नाटो वाला क्वेश्चन अब पहले खत्म हो जाने दो, फिर बाद में बताऊंगी, ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं क्लास पर। योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज पद्मा, योर आंसर विल बी पद्मा। ठीक है, नेक्स्ट,
वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ये एक एनुअल यूएन सैंक्शन ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन है। इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, बताओ इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो ये ऑब्जर्व किया जाता है बी दैट इज जून 30 को। जून 30 को जेई मेंस का रिजल्ट आ रहा है संस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ई लर्निंग पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च रिसेंटली? अभी हाल ही में ना एक ई लर्निंग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, उसका नाम क्या है? ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। वेरी गुड, योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज डाक कर्म योगी। सो डाक कर्म योगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिंदर सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस गेम से एसोसिएटेड है? वरिंदर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस गेम से एसोसिएटेड है बेटा, बताओ। अकाउंट वाला एंजल शर्मा, ड्रीम दिवानी, अभी नीट का तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, आ जाएगा आ जाएगा, एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, 174 आर वॉचिंग, लाइक इज ओनली 82, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। योर आंसर हियर विल बी ए दैट इज टेनिस। वरिंदर सिंह टेनिस कह रही हूँ, वरिंदर सिंह हॉकी के प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोटीन पार्टनर्ड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग रिसेंटली टू ऑफर ई पैन सर्विसेज? प्रोटीन ने किसके साथ पार्टनरशिप की है ये, और ये ऑफर करेंगे ई पैन सर्विसेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैन सर्विसेज। मैम आपकी रेड कप में ग्रीन टी कहाँ है? मेरी रेड कप में ग्रीन टी मैं पहले पी चुकी हूँ। आंसर बताइए, व्हाट विल बी दी राइट आंसर? आंसर विल बी डी, दैट इज पे नियर बाय। सो प्रोटीन ने पार्टनरशिप की है पे नियर बाय के साथ, ताकि ये ई पैन सर्विसेज को क्या कर सकें, ऑफर कर सकें। नेक्स्ट, कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कैपस्टोन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, न्यूजीलैंड से मून तक? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स का नाम बताना है आपको, कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है कैपस्टोन स्पेस क्राफ्ट, ताकि न्यूजीलैंड से मून तक जा सकें? बेटा आयुषी मिश्रा, मैम लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स कब आएगा प्लीज रिपोर्ट? बेटा 8:30 बजे रोज डेली चल रहा है, 7:30 AM पर आपका 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, उसमें आप ज्वाइन करो क्लास। आंसर यहां पर ए होगा, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है डैश स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। सो यूनाइटेड नेशन ने कौन सा स्कॉलरशिप, कितना स्कॉलरशिप बच्चे इंडिया जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे रखा है? तो ये तो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बताओ इसका आंसर क्या होगा। योर आंसर या विल बी C75, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे कि नहीं मना रहे, पहले बताओ, महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे है, 75th इंडिपेंडेंस ईयर है, इसलिए 75 स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई। वेरी गुड, नेक्स्ट। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 का थीम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 का थीम क्या रहा है, बताइए। आंसर यहां पर डी होगा, डेटा फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी गुड, क्वेश्चन में ही आंसर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसके क्वेश्चंस में भी आंसर रहेंगे, वेदर कॉन्स रीजनिंग में भी देख लेना, एक दो क्वेश्चन तो पक्का होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। पंडित डैश इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द डेटा ऑन विच द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज फाउंडेड। तो किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यू नो हमारा जो कॉमेमोरेट हुआ था इसी दिन, तो किस दिन ऑब्जर्व करते हैं बताइए। वेरी गुड, योर आंसर हियर विल बी ए दैट इज जून 30। सो जून 30 इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द डेट ऑन विच द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज फाउंडेड। तो इसी दिन हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फाउंड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन हम मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं बेटा
29th of June को, 29th of June को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रिजाइन किया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र किसने रिजाइन कर दिया है? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग देख लेना, एक भी क्वेश्चन मेरे सेशन से बाहर नहीं आएगा। वेरी गुड, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इज द राइट आंसर, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कौन बनाए गए हैं? उद्धव ठाकरे की जगह बने हैं कौन? उद्धव ठाकरे की जगह बने हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, श्री श्री एकनाथ शिंदे, श्री एकनाथ शिंदे ये बने हैं चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस। गॉट इट? आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा, दैट इज उद्धव ठाकरे। हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है? नेक्स्ट, इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन डैश रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इंग्लैंड के विनिंग कैप्टन हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, जिनका हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, उनका नाम बताइए बेटा क्या होगा। वेरी गुड, आंसर यहां पर सी होगा, एओएन मॉर्गन। एओएन मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफिन फाइनेंस रिसीव्ड इन प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ डैश प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो मुफिन फाइनेंस ने, ये देखो, मुफिन फाइनेंस ने रिसीव किया है प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल इशुएंस के लिए। आपको यहाँ पे बताना है सेमी क्लोज, क्लोज, ओपन, पार्शली ओपन, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या गया, बताइए। आंसर ए होगा, सेमी क्लोज। नेक्स्ट, सिडनी मैकलॉकिन, मैकलाफलिन, सिडनी मैकलाफलिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है किस में? और भाई विद 51.4 सेकेंड्स, इनमें से किस में इन्होंने कंप्लीट किया है 51.4 सेकेंड्स, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पिछली बार 51.46 था और टोक्यो गेम्स में, और इस बार 51.41 है, तो इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। तो इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, 400 मीटर हर्डल्स, 400 मीटर हर्डल्स। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडिया पेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के विनर कौन रही है, विजेता कौन रही है, बताइए। आंसर यहां पर डी होगा, दैट इज खुशी पटेल। सो खुशी पटेल वॉज द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। वेरी गुड। नेक्स्ट, किसने लॉन्च किया है रिपोर्ट इंडिया इज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऑन द गिग इकोनॉमी इन इंडिया। तो किसने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम, कौन सी वो रिपोर्ट है, इंडिया इज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऑन गिग इकोनॉमी इन इंडिया। तो बच्चे इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज अ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, जो हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने हमारे जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स हैं उनके लिए ये किया है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर बी होगा, दैट इज नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट है जिसने बैक किया है सेकेंड प्राइज नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैक द सेकेंड प्राइज इन नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022, बताइए। योर आंसर विल बी बी, दैट इज बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आईजी ड्रोन्स, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी एयर अवार्ड्स के द्वारा। सो आईजी ड्रोन्स इज बेस्ड आउट ऑफ डैश, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज दिल्ली. योर आंसर विल बी दिल्ली. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉफिक्स किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉफिक्स किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 29 जून को. नेक्स्ट, चौलूर कृष्ण कुत्ती हैं, कृष्ण कुत्ती, ठीक है, चौलूर कृष्ण कुत्ती, ये कुत्ता कुत्ती वाला नहीं है, इनका नाम है चौलूर कृष्ण कुत्ती, ठीक है. तो इनका हाल ही में निधन हो गया. ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? फटाफट से आंसर बताना. योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो ही इज राइटर, लिरिस्ट, जर्नलिस्ट, सब है ये. नेक्स्ट, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? बताइए बेटा, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर सी होगा, दैट इज 28 जून. 21st एडिशन ऑफ ट्रांसेविया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये किस कंट्री में हेल्ड हुआ? 21st एडिशन ऑफ ट्रांसलेविया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये किस कंट्री में हेल्ड हुआ है? आंसर विल बी बी, दैट इज रोमानिया, रोमानिया. नेक्स्ट, कौन सी कंपनी जिसने लॉन्च किया है वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई? आंसर विल बी डी, दैट इज एस मनी. सो एस मनी वो कंपनी है जिसने लॉन्च किया है वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई. नेक्स्ट, कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ ब्लिंक कॉमर्स, जिसका पहले का नाम क्या था? ग्रोफर्स इंडिया. तो कौन सी किस कंपनी ने अनाउंस किया है ब्लिंक कॉमर्स का एक्विजिशन, जिसको पहले ग्रोफर्स इंडिया बोला जाता था? आंसर यहाँ पर डी होगा, दैट इज जोमैटो. जोमैटो से खाना मंगवाते हो कि नहीं मंगवाते हो? जोमैटो से खाना मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते आप लोग? नेक्स्ट, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव इसको किस सिटी में लॉन्च किया गया है? वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव किस सिटी में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया बेटा बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 को इनॉग्रेट किया. डिजिटल इंडिया वीक 2022 का थीम क्या रहा है बेटा? सी रहा है, कैटलाइजिंग द न्यू इंडिया टेक डे, ठीक है, कैटलाइजिंग द न्यू इंडिया टेक डे. नेक्स्ट, ग्रिंको ने साइन किया है एमओयू किस आईआईटी के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्कूल सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए? अथर्व मित्तल, बेटा मंथली करंट अफेयर्स में 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ. सीयूटी के अंतिम प्रहार में आप उससे ज्वाइन करेंगे सेशन को, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगा. आंसर विल बी डी, दैट इज आईआईटी हैदराबाद. नेक्स्ट, टाटा पावर ने साइन किया है एमओयू किस स्टेट के साथ ताकि ये इन्वेस्ट कर सकें अबाउट ₹3,000 करोड़, ठीक है, ताकि जो हमारा सोलर सेल है उसको सेटअप किया जा सके और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेट्स में. तो इसका आंसर यहाँ पर सी होगा, दैट इज तमिलनाडु. आंसर विल बी सी, तमिलनाडु. नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार है जिसने एमओयू साइन किया है आईजीएसएस वेंचर्स के साथ ताकि एस्टैब्लिश कर सके सेमीकंडक्टर पार्क? यार मुझे लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, फटाफट से आप लोग लाइक कर दो एक बार सेशन को. योर आंसर हियर विल बी ए, दैट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली कंडक्ट किया है अपना मैडन फ्लाइट ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंडक्ट किया है मैडन फ्लाइट ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का? फटाफट से बेटा आंसर करेगा. इसका आंसर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर, देखो हमारे सेशन में वो भी आ चुके हैं, सिद्धू जी भी आ चुके हैं, बोल रहे हैं ठोको लाइक. सिद्धू जी आ चुके हैं हमारे सेशन में, बोल रहे हैं ठोको लाइक. अब उनकी पॉलिटिशियन की जर्नी खत्म, वो अब हमारे सेशन में आके बस यही बोलेंगे ठोको लाइक. नेक्स्ट, वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं तरुण मजुमदार पास दवे. आपको बताने वो कौन सा ईयर है जिस जब पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? योर आंसर हियर विल बी ए, दैट इज 1990. नेक्स्ट, डैश एंड डैश ने जीता है गोल्ड मेडल
इनॉग्रल एरोडा कप नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। अच्छा बताइए इनमें से कौन है जिनको मिला है गोल्ड मेडल, किसमें, इनॉग्रल एरोडा कप नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, अल्फिया पठान, अल्फिया पठान और गीतिका ने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीबीएसई एग्जाम एक्टिविटीज़ के लिए जिसको लॉन्च किया जा रहा है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, दैट इज परीक्षा संघम। ठीक है नेहू चौधरी बेटा आराम कर लो, परीक्षा संघम। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है 30 फुट टॉल ब्रोंज स्टैचू ऑफ द अलूरी सीतारमन राजू भीमावरन आंध्र प्रदेश में। तो अलूरी सीतारमन राजू ये किस से एसोसिएटेड थे, तो ये एसोसिएटेड थे बेटा मनियम, मनियम रेबिलियन से। नेक्स्ट, रिसेंटली अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है ₹1 करोड़ की। तो आंसर यहाँ पर होगा इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर अवीवा इंडिया का, अवीवा इंडिया का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है अशित रथ को, असित रथ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड मेडल 2022। तो एक मैथमेटिक्स प्राइज है, ठीक है, इसमें से किन्होंने जीता है मैथमेटिक्स प्राइज फील्ड मेडल 2022 के लिए। तो आंसर यहाँ ऑल ऑफ द अबव, मारियाना, हुगो, जून और जेम्स सब ने जीता है क्या मैथमेटिक्स प्राइज, टॉप मैथमेटिक्स प्राइज। नेक्स्ट, वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, बताइए वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है बेटा। तो बेटा ये ऑब्जर्व किया जाता है 6 जुलाई को, ठीक है, खत्म होने वाला है बस क्लास। उस बुक का ऑथर का नाम बताना है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। सो माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक के ऑथर हैं सुसान निनान, सुसान निनान। नेक्स्ट, कौन से राज्य, कौन से स्टेट है जिसने टॉप किया है स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू राशन शॉप्स। किस स्टेट ने टॉप किया है स्टेट में, स्टेट की रैंकिंग में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू राशन शॉप्स। आंसर विल बी डी, ओडिशा। नेक्स्ट, अच्छा चलो, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आर सीयूईटी का वीकली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स राइट फ्रॉम द 25th of June टिल 9th of July, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे 8:30 बजे वाले सेशन में, 8:30 AM पर आपका जो सेशन है उसमें हम मॉक टेस्ट अंतिम प्रहार करेंगे एंड वी विल बी सीइंग यू लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करना है यूज़ दिस कूपन कोड कैपिटल Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। साथ ही Adda247 का ऐप है, इसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल, लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं 8:30 बजे अपने मॉक टेस्ट अंतिम प्रहार के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स।